जी का किचन। आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अम्मी जी से पूछते हैं कि आज की रेसिपी क्या है। अम्मी जी जी, आज हम क्या बना रहे हैं? ब्रेड पकौड़े। यम्मी, बहुत ही मज़ेदार आलू ब्रेड पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए ब्रेड पकौड़े की फिलिंग के लिए, हम पहले देख लेते हैं हमें क्या सामान चाहिए। तो पहले हमने आधा किलो आलू लिया है, जिसे कि हमें बॉयल करके रख लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून हमने हरी मिर्च लिए, जिसका पेस्ट बना लिया। 2 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है और 2 टेबलस्पून हमने पुदीना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पहले ब्रेड पकौड़े की फिलिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने अपने आलू लिए हैं। पहले बॉइल्ड आलू में हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हरी मिर्च, ज़ीरा, पुदीना। हम थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा बेसन के बैटर में ऐड करेंगे। अब आलूओं को ये अच्छे से मैश कर लेंगे और मसाला तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसन का बैटर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 कप बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून हरा धनिया। बेसन लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन। अब हम इसमें हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो नहीं भी ऐड करें। अब हम इसमें धनिया, हरा धनिया ऐड करेंगे। बेसन का बैटर रेडी हो गया है, अब हम सैंडविच रेडी करते हैं। ब्रेड पर हमने आलू की फिलिंग लगा दी है, अब हम इसे, ये सैंडविच रेडी हो गया है, अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। अब ये सैंडविच रेडी है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। हम सैंडविच को और बेसन के बैटर में डिप कर लेंगे। बेसन की कोटिंग करके हमने ब्रेड सैंडविच जो है वो डाल दिया है और मीडियम फ्लेम रखा है, हाई नहीं रखेंगे वरना ये जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पका लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी सब्जी भी कोटिंग करके पका लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इसी तरीके से हम बाकी सबको भी तल लेंगे और आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी से ब्रेड पकौड़ा तैयार हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।